गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आपको खान सर की दुनिया में लेकर के हम लोग फिर से आ गए हैं। जी हां गाइस, खान सर का एक और बहुत ही अच्छा वीडियो जिससे आपको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारा कॉमेडियन, बहुत सारा फन मिलता है। हम सर को देख करके मजा ही आ जाता है। मैं पहले खान सर पढ़ा देते, हम टॉपर बन जाते हैं। टॉपर बन जाते हैं, आईएएस बन जाते हैं। ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा हो गया, मगर बन सकते थे, क्यों नहीं। मेहनत करने वाले के लिए कुछ भी पॉसिबल है। वैसे भी खान सर कल वाले वीडियो में बोल रहे थे ना, पढ़ तो किसी और भी टीचर से सकते हो, लेकिन सब इतना ना लेजी हो गया कि सब आसान वे खोजता है। यस, और खान सर से ज्यादा आसान कोई नहीं पढ़ाता लिटरली। तो फिलहाल के लिए गाइस देखते हैं खान सर का ये वीडियो जिसमें वो बता रहे हैं कि इजराइल के बारे में, इजराइल से पूरी दुनिया क्यों डरती है, और इजराइल लिटरली इतना छोटा सा देश है, पिद्दी भर का, और वो ना बड़े बड़े देश, बड़े बड़े मुस्लिम, आसपास के सारे मुस्लिम जिसको तो आ गए, तो सब्सक्राइब कर ही ले। किसकी राजधानी है? इजराइल और फिलिस्तीन की राजधानी। एक चीज और गाइस, ये सारा क्रेडिट जाता है खान सर के वीडियोस को, ठीक ना, कॉपीराइट टू खान सर। राजधानी रामाल्लाह, फिलिस्तीन कितने भाग में बांट दिया है? दो। ये क्या कहलाता है? गाजा पट्टी को धीरे धीरे कब जाएगा? इन लोगों को अभी पता भी नहीं है। हम इन लोगों को समझाते हैं तो समझो में नहीं आता है। अभी ये क्या कर रहा है? यहाँ पर दीवाल बना रहा है। क्या बना रहा है? दीवाल। जब दीवाल बना लेगा खूब बेहतरीन ढंग से तो कब्जा लेगा। पहले भी ये किसका था? इजराइल का। 2005 में आजाद किया था। और ये फिलिस्तीन पूरा नहीं है, इस फिलिस्तीन में तीन हिस्सा है, एक ए बी सी डी। वो उस किसका हिस्सा है? इजराइल का। फिलिस्तीन 13-14% में बचबे किया, जो 100% था कितना में बच गया? 13-14%। समझ में आ गया कि नहीं? धीरे 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 सब खत्म हो जाएगा। अब कब्जा कौन कर लेगा? उसको लगा कि यहाँ थोड़े ना मिसाइल हमला होगा, और धार्मिक जगह पे कोई मिसाइल हमला नहीं ना होता है, क्योंकि पता है कि धार्मिक जगह पे हो जाएगा तो पूरी दुनिया में बवाल हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया तो भाग गया था सब। यहाँ क्या लड़ेगा सभी सब? अब खुद सोचिए, मिडिल ईस्ट वालों को ट्रेनिंग पाकिस्तान की फौज देती है। अरे बाप रे, समझ आएगी नहीं? आ गया। दही के गवाही चिवरा, आ इधर है पंडित जी, दही चिवरा ले। हम लोग तो दही चिवरा खाने में आगे ही रहते हैं लोग, नहीं समझा? बैले है सब पाकिस्तान वाला। इजराइल के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है आयरन डोम। यस, आयरन डोम। अगर उसके ऊपर मिसाइल मारिएगा ना, तो जांच कर लेगा कि मिसाइल की स्पीड कितनी है, डायरेक्शन किधर है, किधर जाके गिरेगा। उस एरिया में कोई आदमी तो नहीं है, खेत खलिहान है तो छोड़ देगा, जाओ खेत में फटो। और अगर रिहायशी एरिया में घुसेगा, रेसिडेंशियल है, आयरन डोम आएगा, इसको मार के खत्म कर देगा। आयरन डोम का पूरा यूट्यूब पर एक पूरा वीडियो बनाए हुए हैं, आपको उसको पूरी टेक्नोलॉजी देखना है तो उस पर आप लोग देख लीजिएगा, आयरन डोम पे। समझ में आ गया कि नहीं? तो पूरी तरह मिसाइल बम प्रूफ है। कौन इसका? इसकी सीमा भूमध्य सागर से भी है, इससे भी, और निचवा से किससे है? लाल सागर से। निचवा से लाल सागर। इजराइल को एक बात का पता था कि ये सब नहीं लड़ पाएंगे सब इजराइल से, ये सब कभी नहीं लड़ पाएंगे इजराइल से। समझ में आ गया कि नहीं? आ गया। ये तनी मनी टक्कर दे देगा, क्योंकि इसको एक्सपीरियंस है, लड़ाई का क्या है, एक्सपीरियंस है, हम लोग से सीखा है। और कुछ भी है तो बाप का असर तो बेटा में रहता है, नहीं समझ में? बेटा कितना भी नालायक हो, बाप का तो असर थोड़ा सा रहता ही है। और दूसरा कि इसके पास परमाणु बम है, समझ में आएगी नहीं? एट लास्ट कुछ नहीं होगा तो फेंक देगा ससुरा। इस वजह से बस आदमी इसको रखता है, क्योंकि परमाणु बम की वजह से थोड़ा सा। और इसको पता है कि इसको टक्कर देगा तो ईरान के जितने परमाणु वैज्ञानिक हैं सबको हर महीने मारते रहता हूँ। वैज्ञानिक हैं, ऑफिस जाएंगे, घर जाएंगे, उड़ा देगा हमेशा। अमरीका और इसराइल मिल के ईरान के, इसका सेनापति था कासिम सुलेमानी, हाँ, सेनापति को ड्रोन हमला में मार दिया। ये न्यूज में सुना था, ये न्यूज सुना था, उसका मतलब हेड था, उसको भाई उड़ा दिया। सब ये एक तो फकीर ज्यादा था, एगो इसका वैज्ञानिक मार दिया उसको ड्रोन हमला में। तो इसके जितने वैज्ञानिक थे सबको कौन मार दे रहा है? इजराइल। ये कर हम बदला लेंगे। अरे यार बदला लोगे यहाँ पर, वो बैठल रहेगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया? ये चौपट करते। लेकिन एक बात पता था इजराइल को कि ये सबसे लड़ लेगा, मिस्र से नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि मिस्र के पास बहुत मजबूत सेना है। दूसरा, मिस्र का साथ सब लोग दे देगा। सृजन समझिए, मिस्र जो है ना वो स्वेज नहर पे है, यानी ये नहर बंद नहीं होना चाहिए। ये नहर बंद हो गया तो दुनिया का व्यापार रुक जाता है। पिछले साल मार्च में ये नहर लगभग एक हफ्ता के लिए बंद था,
पूरी दुनिया में तबाही आ गई थी, पूरा जाम लग गया था समुंदर, युद्ध होगा। तो ये जो बात बता रहे हैं एक हफ्ते के लिए जो रह गया था वो हुआ क्या था कि मतलब बहुत ज्यादा चौड़ाई नहीं है उस नदी को, मतलब नहर को पार करने के लिए, तो वन टाइम में ना एक सीप जा सकता है, बस इतना ही ज्यादा है और थोड़ा सा जगह है लेकिन घूमने में दिक्कत होता है। एंड सिप को ना थोड़ा हाइट भी चाहिए होता है पानी के लिए, तो लोग मतलब उस रास्ते से जरूरी इसलिए है कि अगर वो रास्ता बंद हो गया ना तो इन लोगों को फिर नीचे से पूरा ऐसे करके बहुत 50 मतलब 30-40 घंटे घूम करके जाना पड़ेगा, तो बहुत दिक्कत, बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा। और वहां से बस अटक गया, इंडिया का ही सिप था वो, अटक गया था एक हफ्ते के लिए, पूरा दुनिया परेशान हो गया था, कितना लंबा हजारों हजार सिप का लाइन लग गया, जाम देखी होगी ना, गाड़ी का देखी होगी, बस का देखी होगी, ट्रक का देखी होगी, सिप का जाम लग गया था, सोचो इतना भयंकर लगा था। गाइस जी मैं देखा था पूरा न्यूज, मेरे को याद ही वाला पूरा अपडेट्स भी मेरे को याद है। चलो आगे देखते हैं और क्या बता रहे सर। ये नहर बंद हो जाएगा इसलिए मनोवैज्ञानिक सपोर्ट किसको मिल जाएगा? मिस्र को मिल जाएगा। तो इजराइल ने ना कब्जा कर लिया, किसको? मिस्र को कब्जा कर लिया। मिस्र का वह भाग जो स्वेज नहर के दूसरी साइड में है, जो स्वेज नहर के दूसरी साइड में, वो त्रिभुज के समान है। Okay. इसका नाम है प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। क्या नाम है? सिनाई प्रायद्वीप। यानी मिस्र का यह भाग जो इजराइल से सटा है क्या कहलाता है? सिनाई प्रायद्वीप। क्या कहलाएगा? सिनाई प्रायद्वीप। तो इजराइल ने किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई प्रायद्वीप पर। किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई। मिस्र का तो हालत खराब हो गया। देखिए इजराइल को पता था कि मिस्र के जो टैंक हैं वो महज 1 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते हैं, और खुली लड़ाई में टैंक काम आते हैं। आप देखिएगा यूक्रेन में कौन घूम रहे हैं सर? टैंक। अब जो मिस्र के टैंक थे वो 1 किलोमीटर मार्क कर सकते थे और इजराइल के टैंक 1.5 किलोमीटर, और सामने खड़ा था इजराइल वाला का, आ बेटा आओ आओ, वो मार रहा है तो 1 किलोमीटर, ही मार रहा है 1.5 किलोमीटर, मार के ध्वस्त कर दिया किसको? मिस्र को। अब मिस्र के किस पर कब्जा कर लिया? सिनाई प्रायद्वीप। किस पे? सिनाई। इतना होशियार है, इतना होशियार इजराइल, भाई अरब देश वालों के पास तो उतना दिमाग ही नहीं है। सिनाई प्रायद्वीप प्यार से वापस भी कर दिया, लेकिन एक एग्रीमेंट कराया कि इजराइल और अरब देशों के विवाद में मिस्र हमेशा इजराइल का साथ देगा। Okay. इजराइल और मिस्र कभी भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मिस्र इजराइल को समर्थन करेगा, तब हम सिनाई प्रायद्वीप वापस करेंगे। Okay. तो हारने के बाद आपका जमीन वापस मिल रहा है तो क्या जरूरत है दूसरे के लड़ाई में पड़ने की? सही बात है। दिमाग देख रहे हैं? तो बहुत बार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। तो सबसे पहले कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, तो कर क्या किया? युद्ध किया, और क्या कब्जा कर लिया? सिनाई प्रायद्वीप। अब उसके बाद कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। समझ आएगी नहीं आएगा? क्या इन सब के पास इतना दिमाग है? नहीं, ये लोग भाई से असली सर, ये लोग तो बहुत दिमागी हो गए, इजराइल वाले बहुत दिमागी हो गए। हाँ, बहुत दिमागी। विश्व का दिमाग, सबसे तेज दिमाग किसका माना जाता है? इजराइल का। उसका दिमाग बेचिएगा तो सबसे सस्ता बिकेगा, क्योंकि सब यूज कर गया और सबसे महंगा दिमाग इन सौ का बिकेगा। अभी तक यूज्ड नया है सर, अरब वाले का है, तो अब ये मुर्गा लड़ा रहा है सर, अरब वाले का है, यूएई। हाँ, अफगानिस्तान वाला मुर्गा लड़ा है। ये सबका उतना दिमाग नहीं है, समझ में आ रही? बड़ी खुशी से देख रही है कि मतलब कोई तो मिला तुम्हारे दिमाग का। यहाँ बहुत मिलेंगे सर तुम्हारे दिमाग के, इंडिया में ही तुम दोनों के दिमाग के। अच्छा थोड़ी विदेश जाना पड़ेगा, ये खुश होके देख रही है, चलो कोई तो बकलोल मिला। ओए क्या जबरदस्त बेइज्जती मारे हैं सर। लेकिन भाई साहब, गाइस अगर बात करें वीडियो की, बात करते हैं थोड़ा, वीडियो की बात कर लेते हैं, तो वीडियो में जो इसराइल है लिटरली बहुत छोटा देश है, बहुत छोटा देश है। और ये देख रही है, ये सऊदी अरब, जॉर्डन, सीरिया, इराक, ईरान, यमेन, ओमान, कतर, यहाँ तक यूएई भी नहीं पड़ता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना, ये सब मुस्लिम देश है और ये लोग यहूदी लोग हैं, तो इन लोग के बीच फाइट चलता रहता है। तो ये इतना छोटा सा देश, इन सब का वाट लगे, जबकि अमीर अमीर देश थे। तुम बताओ कितना तेल है इन लोग के पास, फिर भी अमीर, फिर भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है। Yeah. और इनके पास जो टेक्नोलॉजी है ना, सामने वाले के पास नहीं है किसी के पास। लिटरली बहुत सारे देश, क्या इंडिया में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी नहीं है जो इजराइल से लेता है इंडिया। Okay. इसलिए तो इतना मजबूत है छोटा सा देश हो करके, इसलिए कहा जाता है दिमाग सही रहे ना तो सारे कितनों पहाड़ वजह से आदमी को हरा सकता है। Yeah. और इजिप्ट बहुत अच्छा जगह, मैं गया हुआ हूँ, क्यारो कैरो गया हुआ हूँ मैं, यहाँ से यहाँ पे दुबई है, देखो ये दुबई है ना, यहाँ पे रहा हुआ हूँ, ये यहाँ पर आपको ये है, कहाँ गया इधर, कटर कहाँ है, कटर, कटर यहाँ पे थोड़ा सा कम क्वालिटी में दिख रहा है सर का, तो इधर ही कहीं कतर, ओमान के पास कतर में है, ओमान नीचे है सर के ऊपर, ये ओमान तो गई है, यहाँ दुबई हो गया, ठीक ना, यही यूएई है,
ये अच्छा ये रहा, ये जो छोटा सा ये है ये कटर है ठीक है, एंड ये ओमान में गए हैं, यमन में रुके कभी नहीं है, लेकिन इधर से सीप होकर के ऐसे जाता था और यहाँ इजिप्ट, यहाँ कैरो ठीक ना, और इसके आगे नहीं गए हैं, इसके आगे फिर यूरोप की तरफ जाने के लिए यही जो रास्ता दिखा रहा था ना वो सीप जाता है ऐसे। मैं एक्चुअली जॉब करता था सीप पे, तब का बात होता हूँ। फिलहाल के लिए गाइस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अच्छा लगा तो कमेंट करो, और आपके कोई एक्सपीरियंस हो, कोई कुछ वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, कुछ भी आपको देखना चाहते हो तो कमेंट करो। बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेंट हम लोग लेके आते रहते हैं।